परंपरा में भेद हो सकता है पर धर्म में भेद नहीं हो सकता। आज हम एकत्रित हुए हैं क्षमावाणी के अवसर पर। मैं चाहूंगा शांत हो जाए, बात को सुने और समझे। धर्म हमारा स्वभाव है, धर्म दो प्रकार के हैं, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। आज हमने निश्चय धर्म को बंद कर दिया, व्यवहार को मुक्ति दे दी, इसलिए सब परंपरा में भेद हो गए। परंपरा सुरक्षित रखनी चाहिए धर्म के लिए। व्यवहार अपनी जगह सत्य है, व्यवहार धर्म का पालन होना चाहिए, निश्चय को काम नहीं करना चाहिए। यदि हम महावीर की साधना को, महावीर के ज्ञान को, महावीर के ध्यान को, महावीर की आचरण को लेते हैं तो कोई भेद हो नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे, जा सकता है, वृक्ष भी जा सकता है, अन्य दिन भी जा सकता है, सब जा सकते हैं। दो धर्म है, एक निश्चय धर्म है व्यवहार धर्म, व्यवहार निश्चय की ओर ले जाए वो धर्म है। यदि व्यवहार व्यवहार रहे, निश्चय ना रहे तो कोई धर्म नहीं हो सकता। तो भगवान महावीर ने हमें दृष्टि दी, वो कौन सी दृष्टि? दो दृष्टि है, एक आत्म दृष्टि, एक कर्म दृष्टि। आत्म सत्य की दृष्टि है और कर्म दृष्टि भेद की दृष्टि है। यदि हम आत्म सब देखें तो सब आत्माएं भगवान महावीर की दृष्टि में सब आत्माएं समान है, कोई अंतर नहीं। नरक का निर्गे भी वही आत्मा है जो इंद्र में है, 26 देवलोकों में है, सिद्धगति में है, अरिहंतों में है, सिद्धों में है, 26 देवलोकों में है, पशु पक्षी में है, नरक के निर्गे में है। आत्म दृष्टि से तो भेद नहीं। इसलिए महावीर ने कहा, एगे आया एगे नाने एगे रोए, ये आयावादी से वयावादी से, वयावादी से कम्मावादी, कम्मावादी से क्रियावादी। पहले आत्मदृष्टि, आत्म दृष्टि में स्थित हो गए तो आप लोग जान सकते हैं। लोग को जान के बाद कर्म जान सकते हैं, कर्म के बाद क्रिया, क्रिया बाद की आती है। धर्म क्रिया में नहीं है, धर्म स्वयं स्थित होने का है। आज हमने क्रिया को महत्व दे दिया और धर्म को बंद कर दिया। क्रिया अच्छी होनी चाहिए, क्रिया से पुण्य और पाप होता है, धर्म से कर्म निजरा होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप धर्म करना चाहते हैं, क्रिया करना चाहती हैं? क्रिया हमने बहुत बार कर ली, 21 देवलों तक जाए, परंतु धर्म, शुद्ध धर्म, वीर महावीर का धर्म, आत्म धर्म नहीं अपनाया। आत्म धर्म आज हम बैठे हैं विश्व मैत्री दिवस मनाने के लिए, महापर्व परिसर हो गए, 10 लक्ष पर्व हो गया, हम क्षमापना के लिए एकत्रित हुए हैं। क्षमापना, क्षमा विरस्य भूषणम, भगवान महावीर का सिद्धांत। मिट्टी में सब हुए सुन मैया के नाई, संसार के सब प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से विरोध नहीं। भगवान महावीर चंद कौशल को भी क्षमा करते, संगम देव को क्षमा करते, अर्जुन मणि को क्षमा करते हैं, कानों में कीड़े ठोके गए उनको क्षमा करते हैं, एक रात में 20 को कर गाते हैं क्षमा करते थे। भगवान पार्श्वनाथ अमर को क्षमा करते हैं, 24 तीर्थंकरों में सब में कहेंगे क्षमा है। अरे आप कितना तप कर लीजिए, कितनी परंपरा का पालन कर लीजिए, कितने उपवास कर लिए, यदि आपके भीतर क्षमा नहीं है तो आप मोक्ष नहीं जा सकते। क्षमा धर्म का द्वार है, तस धर्म में चले धर्म क्षमा। अगर अमर है आत्मा, उसका प्रसन्नचित व्यवहार है क्षमा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर अमर है आत्मा, उसका प्रसन्नचित व्यवहार है क्षमा। जीवन को जीवंत बना दे ऐसा आत्मज्ञान है क्षमा। अनंत सुख की धारा है, इस भाव का अनुभव है क्षमा। पर आत्मा हर आत्मा से जुड़ी है, इसका एहसास है क्षमा। सुखों के पहाड़ से बहती है जो सुख की धारा, ये भाव है क्षमा। व्यवहार जगत में मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है क्षमा। आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार कराती है क्षमा। व्यवहार जगत में मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है क्षमा। आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती है क्षमा। उसका उमंग उन्नत शिखर पर नृत्य करके, उसका उमंग उमंग उन्नत शिखर पर नृत्य करके, तीसरी व्यवहार का नाम है क्षमा। गणों में उत्तम गंधर गौतम, गणों में उत्तम गंधर गौतम, मानव जीवन अपार करता है क्षमा। केवल ज्ञान के पथ पर दीप प्रकाश में प्रकट होती है क्षमा। क्षमा धर्म सर्वोच्च धर्म है। भगवान महावीर ने क्षमा को महत्व दिया।
महावीर ने मैत्री, बुद्ध ने करुणा, जीसस का प्रेम, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का सिमरन, सब एक ही बात है। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि महावीर की मैत्री सर्वोत्तम है, जीसस का प्रेम प्रेम में विकृति हो सकती है, मैत्री में विकृति नहीं हो सकती। भगवान महावीर सबके लिए नंबर की कामना करते हैं, क्योंकि सब में आत्मा है। महावीर की दृष्टि आत्म दृष्टि है। मैं आप सभी से बैठे हुए आह्वान करता हूं कि आप किसी परंपरा में रहिए, परंपरा का मोह छोड़िए। अपने भीतर जो आत्म दृष्टि है, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, उस परमात्मा का साक्षात्कार महावीर का ध्यान, महावीर का भेद ज्ञान सर्वोच्च ध्यान है। आइए उस ध्यान का सभी आनंद लीजिए। जब भगवान महावीर साढ़े 12 वर्ष तक मान जा सकते हैं, ध्यान जा सकते हैं, तो मैं देखता हूँ मंदिरों में लोग जाते हैं, आरती उतारे हैं, फूल चढ़ाते हैं, कोई ध्यान नहीं करता। मैं देखता हूँ स्थानकों में लोग साधुओं के पास जाते हैं, मस्तक झुकाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ध्यान नहीं करता। कई परंपराओं में देखता हूँ, ध्यान नहीं है। मेरे भीतर एक प्यास थी, एक पीड़ा थी, एक बेचैनी थी, भगवान महावीर की ध्यान साधना क्या है। मैं चले तुलसी जी के पास, आचार्य माश्रमन के पास, सबके पास गया, तो ध्यान के बारे में ये क्या था थी ध्यान। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज के दिन हम सब उस क्षमा को, उस मैत्री, उस काम में एकता के बारे में हम ज्ञान एक है, हम एक हो जाए, परंपरा को बंद कर दें। और एक दिन कोई भी दिन समस्त्री दशलक्ष्मी के पास कोई दिन क्षमा अपना कर रख लीजिए। मैं चाहता हूँ समस्त्री भी एक हो जाए, परंपरा का नाम छोड़ दो। हमें प्रति पल प्रति क्षण क्षमा अपना करनी चाहिए। एक दिन समापना क्यों, सभी दिन महावीर ने कहा जब दोष लग जाए तब समापना करो। एकता से समापना आती है, हम सब एक हो जाए, हम एक हैं, हमारा धर्म सर्वोच्च धर्म है। वर्णाचार्य कहते हैं कि बाइबल सत्य रिलीजन इष्टमन जैनिज्म। मैं जैन धर्म को पसंद करता हूँ। एकता के बारे में मैं चाहता हूँ कि हम सब एक होकर के आज की जो गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप विज्ञापन दें। मैं मुझे को भी कहूंगा कि सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट भारत कर रहा है, ये किसी गवर्नमेंट का परिणाम है। भारत महावीर का देश, गांधी का देश, नानक बुद्ध और राम का देश, जहां दूध की धारा रहती थी, आज मीट एक्सपोर्ट हो गया है। दूध नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, आज मांस और अंडे का दिया जाता है। हम सब एक होकर के सरकार को ज्ञापन दें। मैं सभी मुनिराज से, आचार्य जी से, मुनि तरुण सागर से अनुरोध करूंगा, और जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है हम जाएंगे, आपके साथ धरना देंगे। भारत में गौशाला का प्रचार हो, मीट का विरोध हो, नदियां बंद हो, यदि हम इतना नहीं कर पाए तो हम बैठने का फायदा ही क्या, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रहे। हम सब एक हैं, आत्मदृष्टि से एक हैं, कोई परंपरा का महत्व नहीं, धर्म का महत्व है। हमें दीक्षा दी, महावीर की साधना को लेकर दीक्षा दी, हम सब एक हो जाएं। ज्ञान एकता के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, एकता का भाव ईश्वरीय प्रकाश है, एकता का भाव ईश्वरीय प्रकाश है। एकता का नित्य शासन दिन शासन है, अनेक आत्माओं का संबंध एक आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा से हम सब एक है। मुझे मेरा कर नहीं सकता, स्त्री पुरुष छोटा बड़ा काला गोरा, ये शरीर का भेद है, आत्मदृष्टि से हम समान है। नरक का नीचे भी वंदनीय है, राजा श्रेणी तीर्थंकर बनेंगे, भगवान महावीर ने उनको भी ऊंचा स्थान दिया है। तो छोटे बड़े की बात ही क्या है, ये देह दृष्टि को भूल जाओ, आत्मदृष्टि को बना लो, तो हमारे बीच दोष किसकी खत्म हो सकती है, हम गुणग्राही बने। गुण ने किसी से एक भी गुण हो उनसे ले, उनकी अनुमोदना करें। एकता का भाव इसी प्रकाश है, एकता का निशासन दिन शासन है, अनेक आत्मा का संबंध एक आत्मा की शुद्ध आत्मा है। आत्म ज्ञान की प्रकृति एकता का ज्ञान है, मान के समुद्र में सुख की धारा एकता है। ज्ञान ज्ञानी मानी ज्ञानी ये उत्तम है एकता में, जन्म जन्मांतर के सुख दुखों में पड़े मोक्ष मार्ग है एकता। महावीर के मौन में, दिन शासन में है एकता। साधु संत मुनि